बनाइए, कंपनी बना के दिखाइए टैली में कैसे कंपनी बनेगी। ये कौन सा मोड है? हाँ, अब इसमें नई कंपनी बनानी है, ये कंपनी तो पहले से बनी हुई है अंकुर स्टोर, अब नई कंपनी बना के दिखाइए। गुड, बनाइए। स्पेलिंग देखिए क्या दिया हुआ है, स्पेलिंग गलत थी। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। हाँ, यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे टेलीफोन वगैरह जो भी हो डाल करके आगे बढ़िए। एंटर करिए, एंटर करिए। हाँ, यहाँ पर कौन सी डेट आती है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, काम करने की डेट आती है, जहाँ से काम हमारा शुरू हुआ हो। हाँ, काम जब से स्टार्ट हुआ वो डेट आती है। लास्ट तक एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराना है, ठीक है? ये हो गया, कंपनी बन गई। कंट्रोल ए कर दीजिए, ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए। अब चलिए, कंट्रोल ए हो गया, कंपनी बन गई। किस नाम से बनी? अब मान लीजिए कि कंपनी बनाते समय फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया हो तो क्या प्रेस करते हैं, या पीरियड चेंज करना हो तो क्या प्रेस करते हैं? अल्ट अल्ट एफ टू, अल्ट एफ टू प्रेस कीजिए। देखिए, पीरियड चेंज करने वाला ऑप्शन आ गया। अब इससे बाहर जाना है तो स्केप, ठीक है, स्केप हो गया, स्केप बटन दबाएंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि आपने कोई एंट्री पास की है कि नहीं की है, तो आप देखिए यहाँ पर न्यू क्रिएशन में यहाँ पर दिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड, यानी इसका मतलब है कि आपने कोई भी एंट्री अब तक पास नहीं की है। अगर मान लीजिए कंपनी में अल्टर करना हो तो कहाँ जाएंगे? कुछ कहा, हाँ, कंपनी में चेंजिंग करना है, हाँ, करिए F3। हाँ, एंटर कीजिए। हाँ, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी को बंद करना हो तब क्या करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया ना।